आजादी की 77वीं वर्षगांठ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। विधायक प्रतिनिधि अंकुर प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण किया और झंडे को सलामी दी। स्वतंत्रता दिवस की सुबह 7:30 बजे ध्वजारोहण कर आजादी की 77वीं वर्षगांठ मनाने का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर एकलव्य विद्यालय जमथान भरतपुर के बच्चों के चेहरे पर उत्साह की झलक देखने को मिल रही थी। विद्यालय में पढ़ने वाले आदिवासी पहाड़ी कोरवा बच्चे खुद को शिक्षा के इस प्रांगण में पाकर बहुत खुश प्रतीत हो रहे थे। ध्वजारोहण के बाद मुख्य अतिथि ने बच्चों से कहा कि आजादी का यह अमृत महोत्सव पर्यटक देशवासी के लिए गर्व का क्षण है। हमें आजादी के महत्व को समझना होगा और इसे बरकरार रखने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। विद्यालय प्राचार्य राजेश शर्मा ने बच्चों को जीवन में शिक्षा के महत्व को समझाया और कहा कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे दुनिया की हर चीज हासिल की जा सकती है। अंततः गंभीरता और रुचि के साथ विद्या अर्जन करें। विद्यालय के सभी बच्चों को 4 समूह में बांटा गया और सभी समूह ने पूरे जोश के साथ मार्च पास्ट की प्रस्तुति दी और अपने उत्साह का परिचय दिया। सांस्कृतिक गतिविधियों में सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। देशभक्ति गीत, नृत्य, भाषण, कविता पाठ जैसे विभिन्न विधाओं में विद्यार्थियों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के बच्चों ने राज्य स्तर की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया और पुरस्कार जीतकर एकलव्य विद्यालय जमथान भरतपुर को गौरवान्वित किया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए छत्तीसगढ़ से नीलेश तिवारी की रिपोर्ट।